नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, ओके, यानी कि वर्णनात्मक शोध के बारे में, और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो रिसर्च हैं, जो मेथड हैं, उस पे डिस्कस हम कर रहे थे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया केस स्टडी, फिर आपके साथ हमने सर्वे मेथड भी डिस्कस किया। तो अब इस पार्ट पे हम उसी के अंतर्गत आने वाले, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है डेवलपमेंटल रिसर्च, ओके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल रिसर्च पे, जिसको डेवलपमेंटल स्टडी भी कहते हैं, यानी कि विकासात्मक अनुसंधान या विकासात्मक अध्ययन भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको जेनेटिक मेथड भी कहते हैं, यानी कि आनुवांशिक विधि कहते हैं। तो देखिए, आनुवांशिक विधि क्यों कहते हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि इस विधि का, यानी कि आपके डेवलपमेंटल जो स्टडी है, रिसर्च है, इसका सर्वप्रथम जो विकास कहें वो उद्भव दिखा जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और कब, 19वीं शताब्दी में। तो देखिए, आनुवांशिक जो है विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी पर्सन का, यानी कि एज, उसकी आय, मैच्योरिटी, उसका परिपक्वता, उसकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ के विभिन्न स्तरों वाले व्यक्तियों का स्टडी इस दृष्टि से करते हैं, इस व्यू से करते हैं कि समय व्यतीत के साथ उसमें आने वाले बदलाव या परिवर्तन को जाना जा सके, इसलिए इसको हम आनुवांशिक जो मेथड या आनुवांशिक विधि कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंटल रिसर्च पे थोड़ा सा, कि इसको प्रजनन अध्ययन भी कहीं कहीं कहा जाता है, और इसके अंतर्गत मानव विकास, मानव सभ्यता एवं संस्कृति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों का एवं विकासों का अध्ययन करते हैं, या ये आपका स्टडी कराता है, या आपका यह रिसर्च कराता है, क्या, जो हमने बताया कि किसी मानव सभ्यता एवं संस्कृति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों का एवं विकासों का अध्ययन कराता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं, तो देखिए कहां से आप इसको रिलेट करेंगे, आपको पता होगा कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक आपका थ्योरी है, उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया 0 से 2 ईयर्स का बालक किस प्रकार, ओके, किस प्रकार विकास करता है, और उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या समझ उसकी बढ़ती है, फिर 2 से 7 वर्ष में कैसे उनकी समझ बढ़ती है, 7 से 11 वर्ष में कैसे, और 11 के बाद उनमें क्या परिवर्तन होता है, वो कैसे सोचते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उन्होंने इसी टाइप का रिसर्च किया, तो उन्होंने स्टडी किया बच्चे पर, और उसमें होने वाले परिवर्तनों को उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने आगे यह बता दिया कि सभी बच्चों में इस प्रकार का परिवर्तन इस एज में इस प्रकार से होगा, और उन्होंने सिद्धांत बना दिया। तो उन्होंने इस टाइप का रिसर्च किया होगा, तभी उन्होंने ये बताया, निष्कर्ष निकल के आया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंटल रिसर्च क्या कराता है। तो देखिए, इसमें 2 टाइप के रिसर्च आते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर जो आपका डेवलपमेंटल रिसर्च आता है, उसके भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, देखिए आपके सामने है लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, यानी कि अनुदैर्ध्य अध्ययन। उसके बाद आता है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी, यानी कि अनुप्रस्थ अध्ययन। तो ये क्या है, हम इसको आपको बताएंगे,
एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, जिससे आप एक बार में समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल जो आपका है ये क्या कराता है। देखिए, जब हम कहीं ऐसा स्टडी करने जाते हैं कि किसी बच्चे का विकास देखना चाहते हैं कि बच्चा 0 से जब 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, तो उसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो जब इस टाइप के परिवर्तन को हम देखते हैं तो किसमें हम यूज करेंगे, वो है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल जो रिसर्च है, अनुदैर्ध्य रिसर्च है, इसमें हम समय समय पे बच्चे के ग्रोथ का स्टडी करते जाएंगे, ओके। और हम बता देंगे कि 18 साल तक कैसे कैसे अवस्थाएं बच्चे में आती हैं और कैसे कैसे उसमें सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम यही स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे हम स्टडी करते चले जाते हैं और फिर हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, हम रिजल्ट बना देते हैं, हमने यहाँ पे थ्योरी सिद्ध कर दिया। उसके बाद मान लीजिए हम अब क्रॉस सेक्शनल पे बात करते हैं, अनुप्रस्थ अध्ययन। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए पूरा का पूरा एक ग्रुप ले लिया जाए, यानी कि अगर कहा जाए 0 से यहाँ पे 18 वर्ष तक हमने अध्ययन किया, किस पे, एक बालक पे, एक बच्चे पर, तो यहाँ पे हमने 18 साल दिया। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर देखें तो ग्रुप ले सकते हैं कितने, अगर देखें तो 18 बच्चों का ग्रुप ले लें, ओके, 18 बच्चों का ग्रुप ले लें, और कोई 1 वर्ष का हो, कोई 2 वर्ष का हो, कोई 3 वर्ष का, यानी कि 18 यानी कि 18 बच्चे का ग्रुप ले लिए और सबका हम स्टडी कर लिए, ओके। तो क्या हुआ, देखिए समय हमारा कम लगा और एक ही साथ सबका हमने स्टडी किया, तो पता चला कि 1 से 2 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, या 2 वर्ष से 3 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ, तो हमें कम समय में रिजल्ट मिल गया, कहाँ, 1 से 18 साल तक का। एक साथ हमने एक साथ एक ग्रुप में ही अध्ययन कर लिया, तो मान लीजिए यहाँ पे 18 आपके जो साल लगते हैं किसमें, लॉन्गिट्यूशनल में, यहाँ पे कितने साल लगेंगे आपके, एक ही साल लगेंगे, क्योंकि 0 से 18 वर्ष 18 साल हमने उस पर स्टडी किया, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस चला। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में हमने क्या किया, 18 लोगों का पूरा एक ग्रुप बना दिया, 18 लोगों का जो समूह है उसको हमने रिसर्च में डाला और उनके अलग अलग अध्ययन करके हमने एक साथ रख दिया, यानी कि एक साल में ही 18 लोगों का अध्ययन हमने कर लिया गैपिंग के साथ 1 वर्ष के। तो फ्रेंड्स, यही दोनों में अंतर है। यह आपका काफ़ी टाइम बहुत ही पेनफुल था और ये आपका एक साथ कर दिया, यानी बहुत ही इजी हो गया। तो समय और पैसे का इसमें देखें तो कॉस्ट बहुत कम आता है, और जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य है, इसमें बहुत टाइम लगता था। तो फ्रेंड देखिए, अब तो क्लियर हो गया होगा कि जैसा कि डेंजरस नाम है, उससे बहुत ही आसान इसका परिणाम निकलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आपके साथ इस रिसर्च पे आज डिस्कस कर लिया। तो चलिए, जब तक कि हम अगला वीडियो नहीं लाते हैं और रिसर्च के टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आपको इन वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।